Welcome once again, dear little kids. I hope you all are safe and sound. और घर में काफ़ी सारी मस्तियाँ भी चल रही हैं बच्चों, उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। और मुझे आशा है अभी तक जो हम अल्फ़ाबेट पढ़ चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इनके साउंड्स की आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आगे और सीखते हैं आई जे के एल इन अल्फाबेट्स की साउंड को। और तरीका वही है, मैं जैसे जैसे बोलूं आप वैसे वैसे उसे रिपीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अल्फाबेट आई से। लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में आई इस तरह से लिखा जाता है। बच्चों आई की साउंड भी ई आई इस रूप में निकलती है, ठीक है। तो जब हम ई, एक कॉमन साउंड ई, इसको निकालते हैं, आप बहुत आसानी से इस साउंड को निकालेंगे। इसके लिए मुंह को स्ट्रेच करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टंग को, लोअर जॉज, आपकी जो नीचे का जबड़ा है, उसके दांतों के पीछे टंग को रख कर के ई साउंड निकालेंगे। ई ई और आई आई, तो ई आई की साउंड ई। तो आप पहले हम इसकी आई की साउंड ई इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आई ई इंक पॉट, इंक पॉट। आपने देखा आपकी टंग इंक कहने में कहाँ पर है, आई जॉस के पीछे। तो आई ई इंक पॉट, आई ई इंक पॉट, आई एन के पी ओ टी इंक पॉट, आई ई इग्लू, आई ई इग्लू, आई जी एल ओ ओ इग्लू। आई ई इंसेक्ट, आई ई इंसेक्ट, आई एन एस ई सी टी इंसेक्ट, आई आई आयन। अब इसमें हमने आई साउंड लिया है ना, आई का साउंड आई आयन। इसमें आर को बच्चों हम साइलेंट रखते हैं, मतलब आर हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसे आयरन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे, आयन। आई आयन, आई आई एज इन आइसक्रीम। सबको पसंद है ना, तो इसमें आई की साउंड हमने ई नहीं ली है, ई स्क्रीम नहीं बोला, आइसक्रीम बोला है ना। तो आई आई आइसक्रीम। द नेक्स्ट अल्फाबेट इज जे। लोअर केस में जे को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, नीचे की ओर और ऊपर एक डॉट लगाया जाता है। बच्चों जे की साउंड है ज, 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 जे, ज, ज, जैसे कि जे, ज, जग, जग, जे, ज, जग, जे यू जी जग। जे ज जीप, जे ज जीप, जे ई
J-E-E-P, Jeep. J-J-Jar, J-J-Jar, J-A-R, Jar. J, J, Joker. J, J, Joker. J, O, C, K, E, R. Joker. J, J, Jellyfish. J, J, Jellyfish. J-E-L-L-Y, Jelly, F-I-S-H, Fish, Jellyfish. The next alphabet is K. Lowercase में K इस तरह से लिखा जाता है, एक लंबी लाइन, स्ट्रेट लाइन, और फिर नीचे की दो लाइंस में हम के शेप को देते हैं. बच्चों, के की साउंड क, क, क होती है. ठीक है, आइए प्रैक्टिस करते हैं के की साउंड को. के, क, काइट. के, क, kite. K I T E, kite. K K key. K K key. K E Y, key. K, K, king. K, K, king. K, I, N, G, king. K, K, kettle. Kettle. K, K, kettle. K E T T L E, kettle. K K kangaroo. K K kangaroo. K A N G A R O O, kangaroo. जानते हो बच्चों, इसे हिंदी में कंगारू कहते हैं, और इसके पेट में एक बैग होता है जिसमें ये अपने बच्चे को कैरी करती है, अपने साथ लेके चलती है. द नेक्स्ट अल्फाबेट इज एल. लोअर केस में एल केवल एक स्ट्रेट लाइन की तरह हम लिखते हैं. L की साउंड होती है ल, ल. एक्चुअली उसे हम अ करके निकालते हैं, पूरी तरह से ल नहीं है, ल. जैसे कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे साउंड में. L, ल, लॉयन. L, ल, लॉयन. अब ल पूरा नहीं, ल अयन नहीं कह रहे हम, लॉयन. तो आपने देखा उसको हम अंदर आवाज ल की निकाल रहे हैं. एल लॉयन. एल लैम्प. एल लैम्प.
लैंप, ठीक है, अंदर की ओर साउंड निकालेंगे आप, एल लॉक, एल लॉक, एल ओ सी के लॉक, एल लोटस, लोटस, एल ओ टी यू एस, लोटस, एल लीफ, लीफ, एल ई ए एफ, लीफ, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन, आई होप यू एंजॉयड इट and I wish you will learn more from it. Until then, enjoy yourself and be safe.